हम एक फोन भी बनाएंगे अभी बोर्ड पे, ठीक है। हाँ वाटर, ये मत समझो कि बोर्ड पे हकीकत का वाटर आ गया है, सपोज बना रहे हैं कि यहाँ पे वाटर, ठीक है, एंड दिस वाटर बिकम पॉल्यूटेंट, किसी भी कारण से ये पॉल्यूटेंट हो गया। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि वाटर में देखा होगा कि ऊपर में एकदम ग्रीन सतह जम जाता है, वो क्या होता है, वो चलो वाटर ड्रेनिंग होता है, सॉरी ऑक्सीजन ड्रेनिंग होता है। तो वो क्या करता है कि जितने भी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो उसको ड्रेन कर लेता है। इसके कारण जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं और रहने वाले जो कुछ बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जो पानी के बीच के सतह में रहते हैं, कुछ नीचे रहते हैं, तो वो सभी ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता। इसलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये पॉन्ड को पॉन्ड है, मान लेते हैं रिया रिवर है, ठीक है, जहाँ पे ये मॉलस्कन जो एनिमल्स पाइला ग्लोबोसा है वो प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या हुआ, किसी भी कारण से पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व नहीं है। तो अब ऐसे कंडीशन में ये गिल रिस्पायरेशन नहीं कर सकता है, दे कांट टेक गिल रिस्पायरेशन। तो सो इन दिस कंडीशन एरियल रिस्पायरेशन टेक प्लेस एंड टेक रिस्पायरेशन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी रिस्पायरेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लो कि एरियल रिस्पायरेशन करने के दौरान कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, ये कुछ चेंजेस होंगे, तभी ये एरियल रिस्पायरेशन कर पाएंगे। तो राइट न्यूकल लोब था, लेफ्ट न्यूकल लोब था, रिमेंबरिंग राइट एंड लेफ्ट न्यूकल लोब, दिस लेफ्ट न्यूकल लोब बिकम इनहेलेंट साइफन एंड राइट न्यूकल लोब बिकम एक्सहेलेंट साइफन, ठीक है। दिस इनहेलेंट एंड एक्सहेलेंट साइफन हेल्प्स इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो अब ड्रॉ करते हैं डायग्राम। These are the pila globosa and here pulmonary sac are present because here pulmonary respiration takes place, yeah, pulmonary sac present होगा। और ये देखो क्या होगा कि हमने क्या किया, जो pila सीधा चल रहा था उसको क्या किया दिया, उल्टा कर दिया हमने, नहीं किया जब इसको respiration में आता है ये तब ये अपना उल्टा हो, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये survive नहीं कर। तो ये क्या हो गया, अब ये देखो साइफन पहले कैसा था, लोब लाइक स्ट्रक्चर का था, राइट एंड लेफ्ट न्यूकल लोब लोब लाइक स्ट्रक्चर था, अब देखो कैसा हो गया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट बिकम कन्वर्ट इनटू साइफन। तो अब ये ऐसे था, तो ये वाला क्या था, लेफ्ट न्यूकल लोब, अब ये क्या हो गया, इनहेलेंट साइफन, इनहेलेंट साइफन, इनहेलेंट साइफन का काम क्या होगा, ऑक्सीजन को लेना, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन को लेकर के पल्मोनरी सैक में लेकर के आया, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब क्या करना है, इसको पहले लेना था ऑक्सीजन, तो ये अपने बॉडी को इस प्रकार टिल्ट किया, दे टिल्ट ऑन बॉडी लाइक दैट, फ्रॉम दैट कंडीशन इट टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ऐसे ये अपने बॉडी को टिल्ट कर लेगा ताकि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये ले, ये क्या कर पाए, ले पाए, तो ये ऑक्सीजन ले लिया। अब इसको क्या करना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करना है, बाहर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, तो ये अपने बॉडी को इस तरह से टिल्ट करेगा ताकि जो इसका एक्सहेलेंट साइफन है वो ऊपर की तरफ, दिस आर एक्सहेलेंट साइफन। ओके, एक्सहेलेंट साइफन, तो ये अपने बॉडी को इस तरह से इस प्रकार से ये हो गया। अब ये वाला इनहेलेंट हो गया, ये इधर आ गया, क्लियर है, ये इधर आ गया, ये हो गया इनहेलेंट, और ये वाला हो गया एक्सहेलेंट साइफन। और पल्मोनरी सैक का रिस्पायरेशन ऑलरेडी हो चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, यहाँ से बाहर निकालना है, यानी ये जो ऑक्सीजन था ये ऑक्सीजन यहाँ ले लिया और यहाँ से क्या एलिमिनेट आउट होगा, सीओ, कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्सीजन ये यहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा बाहर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी केस व्हेन वाटर बिकम सॉलिडेट दे टेक रिस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी सैप एंड कॉल्ड एरियल रिस्पिरेशन और पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ठीक है, दे टेक रिस्पिरेशन और एरियल रिस्पिरेशन लाइक दैट। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है अपना एरियल रिस्पिरेशन करेगा इमरजेंसी केस में जो वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा तब। दूसरी बात ये आती है कि ये तो वाटर पॉल्यूटेड हो गया तो इस प्रकार से ले लिया, लेकिन कभी कभी इसका जो डेलिकेट फूड है वो है पैडी। कभी कभी ये घूमते टहलते कहाँ जाता है, धान के खेत में जैसे होता है, कभी तुम लोग घूमते टहलते चला जाता है ठेला वाले की दुकान में, हाँ होता है ना वैसे ही। ये इसका टेस्टिंग फूड है पैडी, ये भी घूमते फिरते कहाँ चला जाता है, धान के खेत में। तो वहाँ पे इसका माउथ में जिसकी हेल्प से ये कुकिंग करके अपना बाइट करके खाता है, वो रेडुला भी पढ़ाएंगे हम, तो पहला भी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। तो ये क्या करेगा, वहां चला गया। अब वैसे केस में वहां पे तो वाटर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये कैसे रिस्पायरेशन करेगा। तो वैसे केस में भी ये कौन सा रिस्पायरेशन करेगा, पल्मोनरी रिस्पायरेशन करेगा। तो वो हो गया, वो भी इमरजेंसी केस रिस्पायरेशन हो गया और ये भी इमरजेंसी केस रिस्पायरेशन हो गया। बट दिस रिस्पायरेशन अकर्स ओनली इन इमरजेंसी केस, नॉट एवरी टाइम। ये हमेशा इस तरह से नहीं होगा, हमेशा कौन सा रिस्पायरेशन होगा, एक्वेटिक रिस्पायरेशन या फिर गिल रिस्पायरेशन होगा। ये कभी कभी होगा जब वाटर किसी कारण से पॉल्यूटेड हो गया या कभी ये लैंड पे आ गया तब ऐसा रिस्पायरेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, रिस्पायरेशन पाइला ग्लोबोसा खत्म होता है यहीं पे। आके इसको जो डाउट होगा वो पूछ लेगा, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अनदर। ओके।